स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है एयर। आइए जानते हैं एयर के बारे में। वी कैन लीव विदाउट फूड। बच्चों, हम बिना फूड के रह सकते हैं फॉर अ फ्यू वीक्स। कुछ वीक तक हम बिना फूड के रह सकते हैं। एंड विदाउट वाटर फॉर अ फ्यू डेज। हम भोजन और पानी के बिना कुछ दिनों तक रह सकते हैं। बट वी कैन नॉट लीव विदाउट एयर फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स। हम हवा के बिना कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। नॉट ओनली वी बट ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ इन ऑर्डर टू लाइव। सिर्फ हम ही नहीं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको जिंदा रहने के लिए एयर चाहिए। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। बच्चों, हवा हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। वी कैन नॉट सी द एयर बट वी कैन फील इट। हम एयर को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एयर के बारे में कुछ और बातें। एयर वी कैन नॉट एयर वन ऑफ द बेसिक नीड। एयर वन ऑफ द बेसिक नीड। इट इज़ ऑल अराउंड अस। हमारे चारों तरफ हवा है। वी कैन नॉट सी और टच बट वी कैन फील इट। हम इसको छू नहीं सकते बट हम इसे महसूस कर सकते हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। जो हवा है वो बहुत सी गैसेज का मिक्सचर होता है। अवर प्लैनेट अर्थ, हमारे प्लैनेट का नाम है अर्थ, इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी प्लैनेट है, जो हमारी धरती है, उसके भी चारों तरफ एक लेयर है जिसका नाम होता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट है स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। बच्चों, जो धीरे धीरे हवा चलती है उसे कहते हैं ब्रीज। स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो ये आपका आज का काम था। आप इस काम को बहुत अच्छे से रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, याद करेंगे और इस काम को अपने कॉपी पर क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपका आज का काम इतना ही। ओके, गुड लक बच्चों, टेक केयर।